कुकिंग विद सारिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मिल सकेगी मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेम में देखने को। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मिनी स्टफ चीज़ी क्रस्ट पिज़्ज़ा, और बहुत ही इजी है और बहुत ही यूनिक सा है। पिज़्ज़े को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक कप हमने इसके लिए ली है बॉयल्ड चिकन जो कि श्रेडेड है, एक पैन ले लिया है, इसके अंदर एक खाने का चम्मच डाल देंगे तेल, और इसी के साथ डाल देंगे चिकन, और जितनी आपको बनानी हो फिलिंग हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ आधा कप डाली है, तो ये डाल दी, इसको हम अच्छे से हल्के से थोड़ा सा इसको ब्राउनिश सा होने देंगे चिकन को, फिर इसके अंदर चिकन पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इसी के साथ डाल देंगे वाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चम्मच, फ्रेश काली मिर्च डालेंगे कुटी हुई जो कि आधा चाय का चम्मच है तकरीबन, तो ये डाल दी हमने। तो इसी के साथ थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक, और इसको हम अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी चिकन बन के तैयार है, इसको हम बोल में निकाल के साइड में कर लेते हैं। अब हमने ली है प्याज, शिमला मिर्च और ये कटे हुए टमाटर, के साथ हमें चाहिए होगी पिज़्ज़ा सॉस, और ये हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसी के अलावा हमने ली है मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ जो कि हम टॉपिंग में यूज़ करेंगे, इसके अलावा कटे हुए क्यूब्स लिए हैं जो कि मोज़रेला चीज़ के हैं, ये हम स्टफिंग में डालेंगे डो के अंदर। डो तैयार कर लेते हैं, इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, इसके अलावा आधा कप दूध, इसके अलावा चीनी ली है 1 खाने का चम्मच, और ईस्ट लिया है हमने 1 चाय का चम्मच, इसके साथ हमने नमक लिया है आधा चाय का चम्मच, और तेल इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले नीम गर्म दूध में चीनी को डाल देते हैं, इसी के साथ ईस्ट डाल देंगे, दोनों चीज़ें डाल के ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं, मिक्स करके इसको हम साइड में कर लेंगे, ढक के छोड़ देंगे। मैदे के अंदर ये एक्टिवेटेड ईस्ट, 2 खाने के चम्मच तेल, नमक को डाल देंगे, और अब हम इस तमाम चीज़ों को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है। तमाम चीज़ों को हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमने जो कि दूध का मिक्सचर आधा हमने डाला था आधा हमने बचा लिया था, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसको हम एक डो की फॉर्म दे देंगे। इसको हमने गूंदना नहीं है, बेसिकली तमाम चीज़ों को कंबाइन करना है। डो को हमने अच्छे से कंबाइन कर लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं तेल, और इसको हमने छोड़ना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो इसको राइज होने देते हैं। तो 1 घंटे के बाद ये अच्छे से राइज हो चुका है, अब हम इसको निकाल के इसमें से जितने भी एयर है इसको पंच डाउन कर लेते हैं, और इसको फ्लैट सरफेस पे निकाल के इसकी तमाम एयर को निकाल देंगे। तो इस डो के हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, सबसे पहले तो एक हम इस तरह से डो को लंबा कर लेंगे, और एक ही साइज़ के जितने हमने पेड़े बनाने हैं वो हम बनाते चले जाएँगे। तो इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं, हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो इसको इस तरह से इतना मोटा और इतना छोटा बेलना है, तो इस तरह से हमने तमाम रोटियों को बेल देना है। अब हम एक रोटी उठाएंगे, इसके चारों तरफ मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स को रख देंगे, इस तरह से एक एक क्यूब्स को रखते चले जाएँगे, थोड़े थोड़े गैप दे देंगे। इसी तरह से सारे क्यूब्स को रखते चले जाएंगे, और अब हम कट लगा देंगे इस तरह से। इसे कट लगा लिया है, अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, तो इसको इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से इसको फोल्ड कर दें, ताकि ये जब हम ओवन में डालें तो अंदर से ये मेल्ट होकर बाहर ना निकले। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमने दबा के इसको चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है। इस तरह से बाकी को भी हम तैयार कर लेंगे।
अब हम इस डो को इस तरह से बेकिंग ट्रे में लगा देंगे। बटर पेपर नीचे लगा दिया है और इस तरह से इसके ऊपर हमने डो को रख दिया है। और अब हम पिज़्ज़े की सेंटर वाली जगह पे इस तरह से लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो बाकी के भी तमाम पिज़्ज़े के अंदर इसी तरह से लगाते चले जाएंगे। इस तरह से हमने लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस। अब हम चिकन को रख देंगे। जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी लगा सकते हैं। इसके ऊपर लगा देंगे प्याज को, स्लाइसेस रख देंगे इसी के साथ, शिमला मिर्च कटी हुई इसको भी रख देंगे इसी तरह से, शिमला मिर्च भी हमने डाल दी इस तरह से। तो तमाम चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में आप डालें। इसी के साथ टमाटर डाल देते हैं। पिज़्ज़े के अंदर हमने 3 से 4 टमाटर के क्यूब्स लगा दिए हैं। अब हम लगा देंगे मोज़रेला चीज़ इस तरह से। तो पहले हम मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग कर देंगे। मोज़रेला चीज़ हमने इस तरह से लगा दी है। अब हम लगा देंगे चेडर चीज़। और चेडर चीज़ लगाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर ही थोड़ा सा लगा देंगे ब्लैक ऑलिव्स। इसको हमने ऑलिव्स को लगा दिया है। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं सिरके में भीगी हुई हरी मिर्चें, जो कि मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इसको हमने इस तरह से लगा दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टैंगी सा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से लगा दिया है इसके अंदर। अब हम इसके साइड के एजेस के ऊपर हल्का सा लगा देंगे बटर। साइड पे मेल्टेड बटर अप्लाई कर देंगे। इसको हमने बटर को अच्छे से अप्लाई कर दिया है तमाम एजेस पे। और अब हम लगा देंगे तिल इसके ऊपर, इस तरह से डालते चले जाएंगे। तिल डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे कलौंजी। तो कलौंजी और तिल डाल देंगे क्योंकि ये अरबिक पिज़्ज़ा बना रही हूँ टर्किश स्टाइल में, तो इसमें ये जाता है। तो ये जब मुंह में आते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने डाल दिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे ओरिगैनो। और अब हम इसको बेक करने के लिए डाल देंगे। प्री हीट कर लिया हमने ओवन और 200 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको डाल देंगे बेक होने के लिए। और लीजिए ये हमारा बन करके तैयार है पिज़्ज़ा। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। अंदर से देखें तो ये कितना रिची है चीज़ में। तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।